हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका अपने चैनल 2020 क्लासेस पे। जैसा कि बच्चों आप सबको पता है कि हमारे चैनल पर मार्गदर्शन बैच के अकॉर्डिंग हम आपको हफ्ते में 2 दिन मैथ, 2 दिन रीजनिंग और 2 दिन हिंदी पढ़ा रहे हैं। उसी क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए हम आपको मैथ के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवाने चल रहे हैं, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन वे क्वेश्चन है जो आपकी परीक्षा में बिल्कुल ही पूछे जाने वाले हैं। तो आप अगर इस वीडियो को मिस करेंगे तो समझ लीजिए आपके नंबर परीक्षा में बिल्कुल ही कटने वाले हैं। तो हमारे वीडियो को बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आपको यही करना है बच्चों, जा करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम आपके लिए जो भी नए नए वीडियोज़ ला रहे हैं उन सब के नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम और रेगुलरली बेसिस पे पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, 18 सेबों की कीमत 153 रुपये है, 32 सेबों की कीमत क्या होगी? तो देखिए, हमसे क्वेश्चन में बोल रहा है 18 सेब हैं, वो कितने रुपए के मिल रहे हैं? 18 सेब आपके 153 रुपए के मिल रहे हैं। कितने रुपए के मिल रहे हैं? 153 रुपए के मिल रहे हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में आपको एक एक नियम के क्वेश्चंस देखने को बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे। क्या मिलेंगे? एक एक नियम। इस नियम को आप याद रखिएगा। क्या कह रही हूँ मैं बच्चों? एक एक नियम। इस नियम से आपके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो देखिए, 18 सेब 153 रुपए के हैं, तो एक सेब का कीमत निकाले तो कितना आ जाएगा? एक सेब का मूल्य बराबर 153 बटे क्या हो जाएगा दोस्तों? 18 रुपए। कितना हो जाएगा? 153 बटे 18। तो पूछ रहा है 32 सेबों की कीमत कितनी होगी, कितना हमसे पूछ रहा है कि हमसे हमको दिया है कि एक सेब की कीमत 153 बटे 18 हमने निकाल लिया, तो हमसे पूछा जा रहा है। देखिए, एक सेब की कीमत आपका 153 बटे 18 है, तो 32 सेब का क्या होगा? 32 सेब का क्या होगा? तो देखिए, 153 बटे 18 गुणे क्या हो जाएगा? 32। तो देखिए, 6 तरीक 18, 6 से कटेगा, 6 तरीक 18, 6 से नहीं कटेगा, इसको हम 3 से काटते हैं, 3 से भी नहीं कटेगा। रुक जाइए बच्चों, इसको हम एक मिनट 2 से काटते हैं। किससे काटते हैं? 2 से। देखिए, यहाँ पे 18 था, 2 9 18, 2 1 9 2, 2 6 12। अब कटेगा, देखिए 9 से काटते हैं, 9 1 9 9, कितना बच गया आपका? 6। ये 9 से कट जाएगा। देखिए, 9 1 9 9 बज गया आपका, 6 9 7 63। अब हम 16 और 17 का क्या कर देते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं। 32 सेब का मूल्य बराबर 17 गुणे 16। इन दोनों का गुणा कर दीजिए। जब आप इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर आपका आ जाएगा बच्चों 272 रुपये। यानी 32 सेबों की कीमत कितनी आ गई बच्चों? आपके 32 सेबों की कीमत 272 रुपये आ गई। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका थर्ड वाला ऑप्शन बच्चों एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 22 पेनों का मूल्य 132 रुपये है, 28 पेनों का मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, जो मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में नियम बताया है, मोस्टली उसी नियम से आपके सारी सवाले लग जाएंगी। देखिए, हमसे बोल रहा है कि 22 पेनों का मूल्य 132 रुपये है। तो देखिए, 22 पेन का मूल्य कितना है आपका? 132 रुपये है। तो एक पेन का निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? एक पेन का मूल्य बराबर आपका आ जाएगा 132 बटे कितना हो जाएगा? 22 रुपये। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है कि 28 पेनों का मूल्य बताइए। जब एक पेन का मूल्य इतना है तो 28 पेन का मूल्य बराबर 132 बटे 22 गुणे 28। इसको अब हम किससे काटते हैं? 2 से काटते हैं। देखिए, 2 1 9 2, 2 1 9 2 बच गया आपका, यहाँ पे हो गया 11, 2 1 9 2, 2 2 4 8। अब इसको हम 11 से काटते हैं। देखिए, 11 1 9 11 बच गया, 2 11 2 22। तो 28 पेन का मूल्य बराबर आपका आ जाएगा बच्चों 12 गुणे क्या हो जाएगा? 14। अब 12 और 14 का क्या कर दीजिए? मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप 12 और 14 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों? आपका आ जाएगा 168। कितना आ जाएगा? 168 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों? आपका 168 रुपये आ जाएगा बच्चों। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका डी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन परफेक्ट हो जाएगा आपका?
डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों 14 दिनों में 189 लीटर तेल भरा जा सकता है, तो 32 दिनों में कितना लीटर तेल भरा जा सकता है। तो देखिए 14 दिन में कितना लीटर तेल भरा जा रहा है, 14 दिन में आपका 189 लीटर तेल क्या कर दिया जा रहा है, भर दिया जा रहा है, 189 लीटर तेल भर दिया जा रहा है। तो 32 दिनों में, तो एक दिन का निकाल लेते हैं, कितने दिन का निकाल लेते हैं, एक दिन में कितना भरा जाएगा, तो एक दिन में आपका भरा जाएगा 189/14 लीटर। कितना भरा जाएगा, 189/14, तो 32 दिन का निकाल लेते हैं, 32 दिन में बराबर क्या करेंगे, 189/14 गुड़े क्या कर देंगे 32। तो अब इसको हम 2 से काटते हैं, देखिए 2 7 14, 2 1 9 2, 2 6 12। अब इसको किससे काटते हैं, 7 से, 7 सात दूनी 14 बज गया आपका 4 7 7 49। तो 32 दिन में भरने, 32 दिन में कितना लीटर तेल भरा जाएगा वो निकालते हैं, तो 32 दिन में बराबर 27 गुड़े 16, 27 और 16 का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब आप 27 गुड़ा 16 में करेंगे तो आपका आ जाएगा 432 लीटर, यानी 32 दिन में कितने लीटर तेल भरा जाएगा, 432 लीटर तेल भरा जाएगा, यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका बच्चों फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यदि 16 किलोग्राम चावल का मूल्य 420 है, तो 36 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा। देखिए 16 केजी चावल कितने का दिया जा रहा है, 16 केजी चावल दिया जा रहा है 420 रुपये का, तो 1 केजी का दाम निकाल लेते हैं, 1 केजी चावल का मूल्य, 1 केजी चावल का मूल्य बराबर आपका आ जाएगा 420/16, कितना आ जाएगा 420/16, तो पूछा 36 केजी चावल का मूल्य, 36 केजी चावल का मूल्य बराबर, चावल का मूल्य बराबर आपका हो जाएगा 420/16 गुणे क्या हो जाएगा 36। अब हम इसको किससे काटते हैं, 4 से काटते हैं, देखिए 4 चौके 16, 4 9 36, 4 से इसको काटते हैं, देखिए 4 1 9 4, दो संख्या एक साथ करेंगे, 4 5 20, तो 36 केजी चावल का मूल्य बराबर, 36 केजी चावल का मूल्य बराबर आपका आ जाएगा 105/9। अब 105 का गुणा किस में कर दीजिए, 105 का गुणा 9 में करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा, जब आप 105 का गुणा 9 में करेंगे दोस्त बच्चों, तो आपका 945 रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 945 रुपये आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों यदि 30 कमीज बनाने के लिए 66 मीटर कपड़े की आवश्यकता होती है, तो 35 कमीज बनाने के लिए कितने कपड़े की आवश्यकता होगी। तो देखिए 30 कमीज बनाते हैं तो कितने मीटर कपड़े, 30 कमीज बराबर कितना मीटर कपड़ा, 66 मीटर कपड़ा, तो एक कमीज बनाने में कितना मीटर कपड़ा लगेगा, तो 66/ कितना हो जाएगा 30 मीटर कपड़ा लगेगा। तो हमसे पूछा जा रहा है 35 कमीज, जब एक कमीज बनाने में 66/30 मीटर कपड़ा लग रहा है, तो 35 कमीज कित बनाने में, 35 कमीज बनाने में लगा कपड़ा बराबर 66/30 गुड़े 35। अब इसको किसके किससे काटते हैं, 5 से 5 6 30, 5 7 35, 6 9 6, तो आपका 35 कमीज बनाने में लगा कपड़ा, 35 कमीज में लगा कपड़ा, कपड़ा बराबर बच्चों आपका आ गया 11/7, मल्टीप्लाई कर देंगे तो 77 मीटर, कितना आ जाएगा बच्चों 77 मीटर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों यदि 6 नींबुओं का मूल्य 39 रुपये है, तो 182 रुपये में कितने नींबू खरीदे जा सकते हैं। बोला जा रहा है कि 6 नींबुओं का मूल्य 39 रुपये है, तो 182 रुपये में कितने नींबू खरीदे जा सकते हैं। तो देखिए 39 रुपये में कितने नींबू मिल रहे हैं हमें, 39 रुपये में 6 नींबू मिल रहे हैं, तो एक नींबू कितने रुपये में, 1 रुपये में कितने नींबू मिलेंगे, 1 रुपये में नींबू बराबर 6/39 नींबू मिलेंगे, कितने मिलेंगे 6/39 नींबू। एक सेकेंड बच्चों, आपका 6/39 नींबू मिलेंगे,
तो क्या कहते हैं, 182 रुपए में कितने नींबू मिलेंगे? 182 रुपए में मिले नींबू बराबर, मिले नींबू बराबर 182 रुपए में कितने नींबू मिलेंगे? तो देखिए, 6/39 गुणे 182, हमें ये पता करना है कि कितने नींबू इतने में मिल जाएंगे। तो देखिए, इसको हम किससे काटते हैं? इसको हम काटते हैं 3 से। देखिए, 3 × 3 3 × 3 9 3 × 2 6 13 से काटते हैं। 13 × 1 13 बच गया आपको कितना? 5। 13 × 1 13 बज गया आपका 5। 13 × 4 52, तो आपका 14 × 2 कर देंगे, तो 182 रुपये में मिले नींबू, रुपए में मिले नींबू, नींबू बराबर 14 × 2 बराबर कितना आ जाएगा बच्चों? 28। यानी 182 रुपये में कितने नींबू मिलेंगे? 28 नींबू मिलेंगे। तो आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन बच्चों एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति 5 घंटे में 17 किलोमीटर चलता है, तो 37.4 किलोमीटर चलने में उसे कितना समय लगेगा? तो देखिए, 17 किलोमीटर कितने टाइम में चलता है? 17 किलोमीटर चलता है 5 घंटे में। कितने घंटे में चलता है? 5 घंटे में। तो 1 किलोमीटर कितने टाइम में चलेगा? 1 किलोमीटर चलेगा 5/17 घंटे में। कितने मिनट में, घंटे में चलेगा? 5/17 घंटे में चलेगा। तो 37.4 किलोमीटर चलने में कितना समय लगेगा? तो 37.4 किलोमीटर चलने में लगा समय, किलोमीटर चलने में लगा समय, लगा समय आपका आ जाएगा 5/17 × 37.4। क्या आ जाएगा बच्चों? 5/17 × 37.4। इसका डेसिमल हटा लेते हैं, तो देखिए 5/17 × 374/10। तो देखिए, 5 × 2 10, 2 से काटते हैं इसको हम। देखिए, 2 × 1 9 2 बच गया आपका, 1 × 2 8 16 बच गया आपका, 1 × 2 7 14। अब इसको किससे काटते हैं? 17 से। देखिए, 17 × 1 9 17, फिर 17 × 1 9 17। तो 37.4 किलोमीटर चलने में लगा समय, चलने में लगा समय कितना आ गया बच्चों आपका? समय बराबर आपका आ गया 11 घंटे। कितना टाइम लगा? 11 घंटे लगेंगे। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला ऑप्शन एकदम, सॉरी, सेकंड वाला ऑप्शन बच्चों एकदम सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, 15 डिब्बों में 1080 पेन रखे जाते हैं, 3600 पेनों को रखने के लिए ऐसे कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? 15 डिब्बों में 1080 पेन रखे जाते हैं, तो 3600 पेनों को रखने के लिए ऐसे कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? तो देखिए, 1080 पेन रखने के लिए कितने डिब्बे? 1080 पेन रखने के लिए 15 डिब्बा लगता है। कितना डिब्बा लगता है? 15 डिब्बा लगता है। तो एक पेन रखने के लिए, एक पेन बराबर 15 बटे कितना हो जाएगा? 1080 डिब्बा, इतना डिब्बा लगेगा। तो 3600 पेन रखने के लिए, 3600 पेन रखने के लिए निकाल लेते हैं 3600 पेनों के लिए डिब्बा, पेनों के लिए डिब्बा इज इक्वल 15 × 1080 × 3600। तो देखिए, 10 से आपका 10 कट गया, 3 × 15 = 3, 3 × 9 = 18, 36 × 9 = 36। तो 15 का गुणा किसमें, 5 का गुणा किसमें कर देंगे? 10। तो 3600 पेनों के लिए डिब्बा बराबर, के लिए डिब्बा इज इक्वल 5 × 10 गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा? 50। यानी 3600 पेन रखने के लिए कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? 50 डिब्बों की आवश्यकता होगी। आपका सी वाला ऑप्शन बच्चों एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, 85 पुस्तकों का वजन 17 kg है, तो कितनी पुस्तकों का वजन 12 kg होगा? कह रहा है कि 85 पुस्तकों का वजन 17 kg है,
तो कितनी पुस्तकों का वजन 12 केजी होगा। तो देखिए 17 केजी वजन कितनी पुस्तकों का है, 85 पुस्तकों का, कितनी पुस्तकों का है 85 पुस्तकों का। एक सेकेंड, यहाँ पे पुस्तक होना चाहिए, 85 पुस्तकों का है बच्चों। तो एक पुस्तक का कितना वजन होगा, सॉरी 1 किलोग्राम में कितनी पुस्तक होगी, तो 85 बटे कितना हो जाएगा, 17 पुस्तक, तो हमसे 12 किलोग्राम में पूछ रहा है कितनी पुस्तकें आएंगी, तो 12 केजी में पुस्तकें बराबर, पुस्तक बराबर 85 बटे 17 गुणे 12, 17 पचे 85। तो इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 12 गुणे 5 कितना आ गया, 60, यानी 12 केजी की कितने पुस्तकें होंगी, 60 पुस्तकें होंगी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे आपका बी वाला ऑप्शन एकदम परफेक्ट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको जो ये एक एक नियम से रिलेटेड क्वेश्चंस बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको बच्चों एक एक नियम का क्वेश्चन समझ में आ जाता है तो आप बड़े से बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको बात यहाँ पे ये है कि आपको समझना पड़ेगा कि हमसे क्वेश्चन में कह क्या रहा है। तो चलिए इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो बच्चों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। आपका लास्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि 13 मीटर कपड़े का मूल्य 16.25 रुपये है तो 25 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। यदि 13 मीटर कपड़े का मूल्य 16.25 रुपये है तो 25 मीटर, देखिए 13 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है, 16.25 रुपये है, तो 1 मीटर का निकाल लेते हैं, 1 मीटर कपड़े का मूल्य कितना आ जाएगा, कपड़े का मूल्य आपका आ जाएगा 16.25 बटे कितना आ जाएगा, 13 रुपये। हमसे 25 मीटर का पूछा है तो 25 मीटर कपड़े का मूल्य, कपड़े का मूल्य बराबर आपका आ जाएगा 16.25 बटे 13 गुणे 25। अब इसको हम किससे काटते हैं, देखिए 13 से देख एक बार देख लेते हैं, 13 एकम 13 बच गया आपका, 2 13 दूरी 26, उसके बाद आपका कितना बचेगा, देखिए 13 इसे काटते हैं, 13 एकम 13 बज गया आपका 3 13 दूनी 26, फिर कितना बच गया आपका, आपका बच जाएगा 6 13 पचे 65, यानी आप कितना आ गया, 25 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर, कपड़े का मूल्य बराबर 126 गुणे 25। अब इन दोनों का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 126 को गुणा 25 में करेंगे, सॉरी एक सेकेंड, 13 पचे 65 होता है, कितना होता है, 13 पचे 65 होता है, यहाँ पे 5 रहेगा, तो 125 बुढ़े क्या करेंगे, 25 करेंगे, जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो आपका आ जाएगा 31 25, कितना आ जाएगा, 31 25 आ जाएगा। आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे भी आपका थर्ड वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। तो आपको पहले, सबसे पहला बच्चों छोटी मोटी जो कैलकुलेशन है जो मैं यहाँ पे 13 से काट दे रही हूँ, 2 से काटती हूँ, 3 से, ये सारी चीज़ों आपको अच्छी तरह से आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप, अगर आपको काटना अच्छी तरह से आता है और एक दो बेसिक नियम याद है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, और पेपर में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं देते हैं, तो इसीलिए आप फुल टू प्रैक्टिस कीजिए। आपको कहीं भी दिक्कत हो रही हो तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। साथ ही साथ बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले जा कर के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में आए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। बच्चों थैंक यू बच्चों।